मेरे प्यारे शिष्यों, आज आपके रुद्र बाबा आपको एक आध्यात्मिक और एक आईक्यू का ज्ञान देंगे। अब मत कहना बाबा से, बाबा अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ, अध्यात्म का नहीं एसएसबी का ज्ञान दीजिए, तो मैं कहूँगा मूर्ख बालक, ये अध्यात्म का ज्ञान आईक्यू के ज्ञान का ही रूप है। तो बाबा शुरू करता है और पूछता है, शिष्यों क्या तुम्हें पता है वो दो पवित्र शब्द कौन से हैं जिनको हिंदी में पवित्रता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखा जाता है। शिष्यों जब तक बाबा है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तो सुनो इसका उत्तर है, वो दो शब्द हैं ओम और श्री। अब बात करते हैं पहले ओम की। ओम का इम्पोर्टेंस तो तुम्हें कोई मिल गया मूवी देख के पता चल जाओ। योग सूत्र में तो ओम के चैंटिंग को ईश्वर से भी ऊपर रखा है। ओम की इम्पोर्टेंस हिंदू के अलावा बौद्ध जैन सिख धर्म में भी देखने को मिलती है। अब तुम्हें स्पिरिचुअलिटी का ना एक डेप्थ बताता हूँ। उपनिषद में मैंने पढ़ा कि जो हमारी ब्रेथ का एक साउंड है ना वो क्या है, समझ गए हो? इसलिए तुम्हारी हर श्वास में ओम है और तुम इलाइटेड हो जाओगे उस दिन जिस दिन वो साउंड को सुन लोगे। मुझे लगता है कि मेडिटेशन का कोई गोल है ना, तो वो यही है उस साउंड को, उस ओम के साउंड को सुनने का प्रयास करना। बात करें श्री की, तो इसको ओम के बराबर पॉपुलरिटी नहीं मिली, पर इसकी इम्पोर्टेंस ओम के पैरेलल ही है। आप गूगल बाबा से पूछेंगे तो वो बताएगा कि श्री इज द नेम ऑफ भगवती महालक्ष्मी। और शिष्यों जब आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो आपको मिलेगा श्री सूक्तम ऑफ वेदास इज डेडिकेटेड टू महालक्ष्मी। इसमें 16 श्लोक है और सनातनी लोग 16 मंत्रों का प्रतिदिन एक मंत्र लेकर साधना भी करते हैं। मेरे प्रिय बालको, अगर आप श्री के डेप्थ में जाओगे आप पाएंगे कि श्री माँ लक्ष्मी का नाम नहीं पर उनका एक रिफाइंड रूप है। वेद में मैंने खुद पढ़ा है कि जो आचरण के तप से तपा हुआ श्रेष्ठ आचरणवान पुरुष है उसे श्री कहा गया है। हर घर में माँ लक्ष्मी का रूप यानी श्री कौन है तुम्हें पता है, और जो पुरुष नारी यानी श्री का सम्मान करता है उन्हें मान देता है वही श्रीमान कहलाता है। बालको मुझे अब तुम ये बताओ, जैसे श्री विष्णु श्री राम श्री कृष्ण के आगे श्री लगता है, तो वैसे प्री पंखुड़ी के परम प्री शिव शंभु भोलेनाथ जी के आगे श्री क्यों नहीं लगाया जाता? बोलो बच्चों। हर हर महादेव। हमारे प्रिय शिव बाबा के आगे श्री इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि श्री से देवताओं की महिमा गाई जाती है, लेकिन शिव तो स्वयं रचयिता है। माँ सरस्वती कहती है कि अगर सागर की स्याही बनाई जाए, इन जंगलों की कलम और इस धरती को कागज बनाया जाए और मैं स्वयं भी शिव की महिमा लिखूं, तो भी नहीं लिखा जा सकता। तभी बोला जाता है न आदि न अंत, शिव तो है परम आनंद। लेडीज एंड लेडास, अब बात करते हैं पीआईक्यू की। पता है एसएसबी कैंडिडेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये जो वर्ड्स अपने कंटेंट में यूज करते हैं उस पर रिसर्च नहीं करते, बस किसी ने कहा और किसी को देखा कुछ यूज करते हुए उसको मान लेते हैं और खुद यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री डिटेलिंग जानने का प्रयास ही नहीं करते। इवन हम जो कंटेंट लिखने और बोलने में यूज करते हैं कभी उन शब्दों का मूल अर्थ क्या है कभी नहीं सीखते। ऐसे ही एक वर्ड है श्री। नेक्स्ट फादर नेम। सो मोस्ट कमिटेड मिस्टेक है इज नॉट पुटिंग एनी प्रीफिक्स टू द फादर्स नेम। अगर आर्मी एयरफोर्स नेवी में है तो आप उनकी रैंक मेंशन कर सकते हैं, एल्सवाइज मिस्टर या श्री से आप प्लीज इसको स्टार्ट करें बिकॉज इससे एक बैड इंप्रेशन पड़ता है। आयरनी देखिए ना, श्री हम यूज कर रहे हैं एक इंटरव्यू के पीआईक्यू में, एक संस्कृत शब्द श्री को रोमन में लिख रहे हैं वो भी वहाँ पर जहाँ पर आप अपनी पूरी डिटेलिंग इंग्लिश में दे रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अनकॉन्शियस हैं, सोए हुए प्राणी। हम कॉन्शियस होते ना तो कभी ये यूज नहीं करते अपने पीआईक्यू में। श्री आप तभी लिखें जब आपको ऑप्शन में दिया हो लिखने को, सेम अप्लाई टू मिस्टर। आप बैंक फॉर्म देखिए, ऑप्शन मिलेगा मिस्टर का, पर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है तो पूरी तरह से अवॉइड करिए। खुद देखिए अपने 10th और 12th के सर्टिफिकेट और ऑब्जर्व करिए क्या लिखा है, कोई भी श्री या मिस्टर नहीं लिखा होगा। और अगर किसी का लिखा है तो वो डीली क्लर्क जिसने फिल किया है तुम्हारा डॉक्यूमेंट वो भी बहन की तरह ना समझता, माफ कर देना उसको। और हाँ, अगर फादर आर्म फोर्सेस से हैं तब भी मत लिखिए। रैंक लिखने का ऑप्शन ऑक्यूपेशन कॉलम में दिया गया है। लेडीज एंड लेडास, मिस्टर और श्री दो ही केस में लिखना, या तो कॉलम में दिया हो लिखने को या फिर आपके पिताजी का नाम हो श्री मिस्टर या फिर लंका हो तब भी लिख लेना। मेरी प्यारी बहन, बुरा लगे तो लगने देना और लगना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा कम लगे इसके लिए रिसर्च करना कि यार ये एप्पल वाली है श्री कौन है या फिर लंका के आगे श्री क्यों लगता है। और मुझे अवॉइड करना हो तो सुन लेना श्रीमन नारायण 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 ओ बहना नारायण नारायण श्रीमन, और या तो ये सुन लेना कार्तिक के नहीं सीरी है, अस सीरी है।